हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षाज किचन डॉट कॉम। आज मैं बनाऊंगी बेसन के नमकीन से, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। बेसन का नमकीन बनाने के लिए मैंने लिए हैं ये 1 बाउल बेसन, ये 250 ग्राम बेसन है, और चुटकी भर लेंगे हम हींग, और चुटकी भर ही लिया है मैंने बेकिंग सोडा, और इसको फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। मसालों में मैंने यूज़ किया है 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ली है मैंने अजवाइन, और 1 चम्मच नमक सफ़ेद वाला, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़े से ये गरम मसाला। चलिए शुरू करते हैं नमकीन शेप बनाना। तो सबसे पहले मैंने ले लिया एक मिक्सिंग बाउल, और इसमें इस बेसन को मैंने डाल देती हूँ। इसे मैंने पहले से ही छान लिया था, और जो मसाले लिए थे सभी मसालों को मैं इसमें डाल दूँगी। बेकिंग पाउडर, सॉरी बेकिंग सोडा, और थोड़ी सी हींग। हींग आप इसमें ज़रूर डालें, हींग से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और जो मैंने लहसुन अदरक ग्रेट करके इसको भी इसमें डाल देती हूँ, आप चाहो तो इसका पेस्ट भी इसमें यूज़ कर सकते हो। सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल लिया है, तो इसमें हम डाल देते हैं 3 से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये 4 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल है, इससे हमारा नमकीन सॉफ्ट बनेगा। और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सभी चीज़ों को देखिए, मैंने इसके साथ बेसन के साथ अच्छे से मसल कर मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक नॉर्मल टाइट डो तैयार करेंगे, ना ज़्यादा बहुत टाइट होगा ना ही बहुत सॉफ्ट। देखिए आटे को मैंने इस तरह से पानी डालकर इतना टाइट डो तैयार कर लिया है, और इसे हम थोड़ा सा तेल डालकर चिकना और कर लेंगे, जिससे जो आटा है हमारा हाथों पे चिपकेगा नहीं। देखिए आटा हमारा अच्छे से चिकना हो गया है, तो इसे मैं 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और ये आटा भी हमारा अच्छे से तैयार है। तो आज मैं इसे बनाऊंगी विदाउट मशीन, तो मैंने लिया है ये ग्रेटर, इससे बनाऊंगी। आप चाहो तो इस तरह का भी कुछ यूज़ कर सकते हो, और तेल भी हमारा अच्छे से गर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आटे में से मैं थोड़ा सा पोर्शन ले लेती हूँ, और इसको इस तरह से कर लूँगी। और मैं सबसे पहले देखिए इस तरह से इसको बनाऊँगी। तेल को आप अच्छे से गरम कर लें, और फिर उसकी गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, वरना आपके जो सेब है वो जल जाएंगे। देखिए इस तरह से देखिए कितने अच्छे से हमारे सेब बन रहे हैं। इसे मैं एक बार चला दूंगी, और इसे सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक बार जस्ट चलाने के बाद इसे थोड़ी देर, आधा मिनट या एक मिनट इसको और पकाना है। देखिए सेब हमारे हल्के से फ्राई हो गए हैं, तो इस समय हम गैस की फ्लेम को हल्का सा बढ़ा लेते हैं, जिससे हमारे सेब जल्दी सिक जाएंगे। और इसे हम चला देते हैं। देखिए सेब हमारे अच्छे से सिक गए हैं, तो इसे हम इस छलनी में डाल लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सभी इस कढ़ाई में आ जाएगा, और हमारे जो सेब हैं ज़्यादा ऑयली नहीं रहेंगे। सेब को देखिए मैंने छलनी में इस तरह से कर लिया, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल गया है। तो इसे मैं एक प्लेट में टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ। इसे मैं फैला देती हूँ, बाकी की सेब भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब मैं आपको इससे बना के दिखाती हूँ। तो इसको मैंने पहले से ही तेल से ग्रीस कर लिया था, और जो पहले बनाए थे सेब उसको भी मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था। तो मैं हम इसमें थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे इसको इस तरह से, और तेल हमारा अच्छे से गर्म है, तो इसको भी हम इस तरह से देखिए ऐसे सेब बनाते जाएंगे। और देखिए कितने अच्छे हमारे सेब बन रहे हैं। तो आप विदाउट मशीन भी सेब अच्छे से बना सकते हो, इसे किसी भी नमकीन के साथ अच्छे से मिक्स करके उसका फ्लेवर और बढ़ा सकते हो।
गैस की फ्लेम को हमेशा कम ही रखें जब आप सेव डाल रहे हों इसमें। सेव को मैं निकाल लेती हूँ, देखिए, और थोड़े मोटे सेब भी हमारे बनके तैयार हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। नमकीन बनके हमारी तैयार है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नमकीन बनी है, और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।